सेकेंड क्वेश्चन था कि बर्जर पेंट और कांसाई नैरो लैक, ये दोनों में भी अपॉर्चुनिटी है, तो जी आप क्या सजेस्ट करेंगे, दोनों में से किसको सिलेक्ट करना चाहिए? मतलब यूजुअली हमेशा इफ नहीं होता कि मतलब और नहीं होता कि कौन सा ले, अगर पैसा ठीक ठाक है तो दोनों भी ले सकते हो। बाकी बर्जर पेंट का डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.2 इज अवर कट ऑफ, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है, तो और अगर स्ट्रेटेजी भी देखा जाए तो हाँ अच्छा खासा नीचे गिरा हुआ है। 5 साल का चार्ट भी देखूं मैं तो ऊपर से काफी ज्यादा डाउन है, और इसके बाद ऊपर जाते हैं स्टॉक, तो बर्जर पेंट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है नो डाउट। और दूसरा आ गया कंसाई नैरोलैक, ये भी 54 की पी रेशियो पे है, सिमिलर गिरा हुआ है, सिमिलर मार्केट कैप है, सिमिलर चीजें सारी। तो यार जब सारी चीजें सिमिलर हो, फाइनेंशियल्स भी सिमिलर हो, तो हमें चूज करना चाहिए जिसमें प्रॉफिट गेन की अपॉर्चुनिटी बेटर हो। अगर हमें कोई एक ही सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आया, बर्जर पेंट्स टाइप किया मैंने, ठीक है। अब देखो बर्जर इसको अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ जब मेरा सेल सिग्नल आएगा तब लगभग कम से कम मेरे पास 30-40% का गेन तो होगा, ये मेरी अजम्पशन है कि जब भी सेल सिग्नल आएगा, क्योंकि प्राइस हौले हौले करके इस तरीके से ऐसे ऐसे करके प्राइस ऊपर जाएगा, 200 दिन का मूविंग एवरेज ऐसे यू टर्न लेने की कोशिश करेगा, इस तरीके से हरी लाइन ऊपर जाएगी, इस तरीके से काली लाइन इसके ऊपर जाएगी, और तब मेरा कहीं यहाँ कहीं जो भी है सेल सिग्नल आ जाएगा। इस तरीके से मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो बर्जर पेंट में लगभग 30% की अपॉर्चुनिटी है एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग, और कंसाई नैरोलैक में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आया, इसमें एकदम 20% की अपॉर्चुनिटी है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है कंसाई नैरोलैक में जो हमें अप्लाई करनी है, लगभग एकदम इसी लेवल पे आया और आके ये रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हौले हौले करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रिमेनिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो है 24% की, कि गारंटी 24% का ये गेन आना ही आना है बहुत जल्द, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है उसमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगा दो, तो आप इसमें भी कर सकते हो। मतलब हमेशा सिर्फ एक आंसर नहीं होगा कि ये यही करो या यही करो, वो एक सब्जेक्टिव कॉल हमेशा आपको लेना पड़ेगा कि मैं कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, कि स्टॉक के 20-30% गिरने के बाद भी आप एकदम चिल होके बैठे रहो, वो किस केस में होगा वैसे देखना होगा, ठीक है। राइट राइट राइट, थैंक यू। वेलकम जी।